तो जैसा कि सावन चल रहा है, मैं अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहूंगी जिससे वो सावन भी एंजॉय करें और अपनी बेबी की और अपनी अच्छे से केयर कर सके। सबसे पहला, आपको एक तो डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, पसीना निकलता है, तो पसीने से आपके अंदर बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। आपको पानी पूरे दिन 3 से 4 लीटर के आसपास पीना जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। सेकंड, अब आपको चाट पकौड़ी खाने का तो बड़ा मन करता है, सावन है, बरसात हो रही है, अच्छा लगता है, तो प्लीज बाहर का मत खाइए। जो भी आपको पूछ के खाने हैं, चाट खाने हैं, अपने घर पे बना के खाइए। तीसरा, अपने हाइजीन को मेंटेन रखिए, क्योंकि मॉइस्चर जो कि ह्यूमिडिटी होती है उसमें क्या होता है, कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं, तो अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करिए खाना बनाने से पहले, सैनिटाइजर का यूज करिए। नेक्स्ट, अपने घर को सूखा रखना जरूरी है, अगर पानी अंदर आ जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी वाइप ऑफ कीजिए और अपने घर को ड्राई रखिए, क्योंकि कीटाणु पनपने का खतरा रहेगा। नेक्स्ट, जो जमा हुआ पानी होता है उसमें जो कीटाणु पैदा होते हैं, जो मच्छर पैदा होते हैं, वो बहुत ही नुकसान कर सकते हैं अगर आपको काट जाए, तो इन मच्छरों से दूर रहना है। मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं और जो जमा हुआ पानी है उस जगह से आपको दूर रहना है। फिर जो आप फुटवेयर यूज करते हैं, जो कि आप चप्पल पहनते हैं, वो एंटी स्लिप फुटवेयर होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो फिसले ना और हील वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गिर जाते हैं तो नुकसान हो सकता है। कपड़े एकदम राइट फैब्रिक वाले पहनने, जैसे कि कॉटन ज्यादा से ज्यादा पहनना है, जिससे कि पसीना ना आए, पसीना आए तो कॉटन सोख ले और वहां पे जमा ना हो, जिससे कि स्किन के इन्फेक्शन और रैशेस आपको ना हो। जब भी बाहर जाएं, अपनी तैयारी पूरी रखिए, छतरी रखिए, अपने फोन को चार्ज्ड रखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। वार्म फूड ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करिए, जैसे कि सूप पी सकते हैं, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही लेना है, एकदम ताजा बनाया हुआ खाना ही खाना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना सावन भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। लहरिया पहनिए, मस्त फ्लॉन्ट कीजिए और एंजॉय करिए। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।